सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोरोहित यूट्यूब चैनल को और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सैमसंग गैलेक्सी A71 5G के बारे में। तो सैमसंग गैलेक्सी A71 5G के बारे में कुछ लीक्स यहाँ पर निकल के सामने आ रहा है। इस फ़ोन के पहले भी बहुत ज़्यादा लीक्स आ रहे थे कि सैमसंग बहुत ही जल्द अपने A71 का एक 5G वेरिएंट लाने वाला है, और अभी ये रिपोर्ट निकल के सामने आया है कि जो सैमसंग गैलेक्सी A71 5G आएगा ये सिर्फ आप लोग को चाइना और US में देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि बाकी कंट्रीज़ में भी देखने को मिलने वाला है। पहले जो रिपोर्ट निकल के सामने आया था उससे ये बताया गया था कि सैमसंग गैलेक्सी A71 5G आएगा, ये स्मार्टफोन सिर्फ आप लोगों को चाइना और US में देखने को मिलेगा। लेकिन अब बताया जा रहा है कि यह स्मार्टफोन आपको बाकी कंट्रीज़ में ही मिलेगा जहाँ जहाँ सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स को लॉन्च करता है। इसका मतलब ये स्मार्टफोन आप लोगों को इंडिया में भी लॉन्च होते हुए दिख सकता है। अब देखिए 5G का सपोर्ट दे रहे इंडिया में, हालांकि 5G का जो कनेक्टिविटी है वो अवेलेबल नहीं है, और 2022 या फिर 2023 में जाके आपको 5G का सपोर्ट इंडिया में मिलेगा। लेकिन जो लोग सैमसंग का या फिर जो लोग एक फ्यूचर प्रूफ और लॉन्ग टर्म के लिए स्मार्टफोन देखते हैं उनके लिए एक अच्छा डील होगा कि सैमसंग का जो A71 5G लेंगे तो अगर आगे चलकर 2022-23 में अगर 5G आता है तो उनको एक नया फ़ोन परचेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये भी हो सकता है क्योंकि इस फ़ोन का जो चिपसेट होगा वो होगा क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G वाला चिपसेट, जो कि 5G को सपोर्टेड चिपसेट है और काफ़ी अच्छा चिपसेट है। तो डेफिनेटली ये एक मेन पॉइंट यहाँ पर हो सकता है। अभी तो बताया गया कि US और चाइना के अलावा हर एक कंट्री में ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा एक डिसीजन है कि सैमसंग अपने स्मार्टफोन्स को हर एक कंट्री में लॉन्च करेगा। तो 2019 में आप लोगों ने देखा था कि सैमसंग ने लॉन्च किया था सैमसंग गैलेक्सी A95G, जो कि कुछ कंट्रीज में A91 के भी नाम से गया, लेकिन इंडिया में वो स्मार्टफोन नहीं आया। इसके पीछे का मेन रीज़न वही है कि इंडिया में कनेक्टिविटी अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर सैमसंग गैलेक्सी A71 5G इंडिया में आता तो मेरे ख्याल से एक अच्छा डील होगा। चलिए 5G का जो कनेक्टिविटी दे रहा है उसका हम लोग अभी लाभ नहीं उठा पाएंगे, लेकिन उस फ़ोन का जो चिपसेट है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 765G वाला, वो तो काफ़ी पावरफुल चिपसेट है। उसमें आपको किसी टाइप का लेग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी बात है। और अगर 2022-23 में अगर 5G का कनेक्टिविटी अवेलेबल हो भी जाता है तो आपका स्मार्टफोन एक फ्यूचर प्रूफ हो जाएगा। तो इसीलिए देख रहे हैं क्या होता है, अब क्या उसमें आपको 90Hz डिस्प्ले मिलेगा, 120Hz रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले मिलेगा, ये बातें मैं आने वाले दिनों में आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुंच जाए और उनको भी पता चल जाए कि सैमसंग एक ऐसे स्मार्टफोन के ऊपर काम कर रहा है जिसमें आप लोगों को 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो जो भी होता है आने वाले दिनों में मैं आप लोगों को चैनल में अपडेट देता रहूँगा। तो चैनल के साथ बने रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।